उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र में रक्तदान करने वाला युवक ही निकला बाइक चोर। आगरा पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र महोदय द्वारा आदेश अनुसार चेकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्ति की चेकिंग चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त विकेश यादव पुत्र बंगाली बाबू निवासी नगला मोहन थाना फरिया जनपद फिरोजाबाद को एक आदत चोरी की मोटरसाइकिल तथा एक तमंचा 315 बोर में दो जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया था। अब एक बोकिस यादव से पूछताछ के दौरान यह महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त विकेश यादव अपने एक अन्य साथी प्रदीप कुमार पुत्र राम सिंह निवासी नगरिया ब्रिज थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद के साथ मिलकर कई स्थानों से कई मोटरसाइकिल चोरी की है। अभियुक्त विकेश यादव के बयानों के आधार आरोपी प्रदीप कुमार उपरोक्त के विषय में जानकारी एकत्रित की गयी तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 1/9/2021 को प्रदीप कुमार ने फिरोजाबाद क्लब में लगे रक्तदान शिविर में पहले रक्तदान किया तथा फिर वही से एक मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया जिसका सीसीटीवी कैमरे फुटेज में वीडियो कैद हुआ तथा दिनांक 13 को प्रदीप उपरोक्त के द्वारा कोटला रोड पुलिस चौकी के सामने से एक अन्य मोटरसाइकिल की चोरी की जिसका वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। अभी तक के विषय में जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र राम सिंह निवासी नगरिया ब्रिज कौशिक के बाग थाना नारखी का हिस्ट्री शीटर अपराधी है जिसका HS 48A है। वही आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ला एवं SP सिटी मुकेश चंद मिश्र एवं CO सिटी हरिमोहन सिंह ने SP सिटी कार्यालय पर प्रेस वार्ता किया खुलासा। थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद चांद उर्फ जावेद पुत्र परवेज निवासी मजरूर गंज गली नंबर 8 थाना रसूलपुर फिरोजाबाद इरफान पुत्र जलालुद्दीन 79 रसूलपुर पानी की टंकी निवासी रसूलपुर पानी की टंकी संजय गांधी स्कूल थाना रसूलपुर फिरोजाबाद राशिद पुत्र शबी निवासी बिलाल मस्जिद के सामने थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद शादाबाद पुत्र शकली निवासी बिलाल मस्जिद के सामने थाना रामगढ़ फिरोजाबाद मोहित पुत्र मोहम्मद इशाक निवासी दुर्गेश नगर गली नंबर 5 थाना रसूलपुर फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया। चीन के कब्जे से 7 मोटरसाइकिल विभिन्न कंपनी की चोरी की बरामद की गई तथा अभियुक्त प्रदीप कुमार से एक तमंचा 315 बोर दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इन सभी अभियुक्त गुणों को जेल भेजा गया। गिरफ्तार करने वाली टीम थाना अध्यक्ष रसूलपुर अजय किशोर उप निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा उप निरीक्षक बहादुर सिंह कांस्टेबल लोकेश कुमार कांस्टेबल नकुल कुमार कांस्टेबल विशाल बावरा कांस्टेबल संदीप कुमार ने गिरफ्तार किया। देखिए फिरोजाबाद से जिला संवाददाता सौरा सिंह की रिपोर्ट SKH न्यूज। कौन लेके मोटरसाइकिल भाई पैसा मिला कोई डोनेशन का तो मोटरसाइकिल क्यों ले गए काहे ले गए चोरी कर गए किस तरह का खुलासा है खुलासा सर देखिए बड़ा विचित्र खुलासा है ये आपके जो विकेश हैं जो कल जेल गए हैं आज ही सर का एक अभियान चला था कल के लिए चला था उन्होंने परसों चलाया था तो उस अभियान के तहत विकेश पकड़े गए वो कल जेल चले गए थे उनसे जो पूछताछ हुई तो उसमें एक नाम प्रदीप का बताया था उन्होंने। प्रदीप की खासियत ये है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप आजकल हमारा जनपद डेंगू से प्रभावित है हमने पुलिस लाइन में भी लगवाया था इसी तरह से तमाम स्वयंसेवी संगठनों ने और राजनीतिक लोगों ने भी लगवाए थे ब्लड डोनेशन कैंप तो ये राठौर जी ने कैंप लगवाया था वहाँ पे इन्होंने प्रदीप ने ब्लड डोनेट किया और वहीं से गाड़ी चुरा लिया उसी गाड़ी आयोजित की गाड़ी चुरा लिया तो बड़ा बदनामी हुई उससे लोगों ने कहा कि देखिए हम लोग कैंप लगवा रहे हैं गाड़ी चोरी हो गई तो पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई थी उसमें। बहरहाल हम लोगों ने मुकदमा लिखा कार्रवाई किया ये पकड़े गए क्योंकि CCTV फुटेज था वहाँ पे ये पकड़े गए उसके बाद और पूछताछ हुई तो ये 5 कबाड़ी आपके सामने हैं जो गाड़ी काटते हैं। रसूलपुर की बड़ी खासियत है इंस्पेक्टर रसूलपुर से मैं कहना चाहूँगा भाई कबाड़ियों से मुक्ति दिलाइए 2-4 पकड़ने से काम नहीं चलेगा अब आप इनको ठीक से भेजिए जितने भी मिले कबाड़ी ये गाड़ी काटते हैं काटती वो गाड़ी हैं जो एक्सपायर होती हैं उसकी आड़ में चोरी की भी काटने लगते हैं। ये 5 कबाड़ी पकड़े गए इनसे कुल 7 गाड़ियाँ बरामद हैं। एक और क्वालिटी है ये गाड़ी इन्होंने कहने में भी बड़ा अटपटा लग रहा है चौकी से चोरी कर ली कोटला चौकी से एक ब्लड डोनेशन कैंप से कोटला चौकी से लेकिन आज मैं इसलिए कह रहा हूँ हमने दोनों बरामद कर लिए दोनों गाड़ियाँ बरामद कर ली चोर बरामद हो गए कबाड़ी बरामद हो गए इस तरह से बहुत सराहनीय कार्य पुलिस के
स्तर पे रसूलपुर इंस्पेक्टर ने किया है वो बधाई के पात्र हैं, और जितने भी कबाड़ी हैं मैं चाहूँगा सबको पकड़ के जेल भेजें। सर इनके कब्जे से कोई हथियार मिला है? हाँ, कट्टा मिला है इनके, कट्टा कारतूस वो तो